वेलकम टू द पाठशाला। शाम की 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे टेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आपको बाद में भी याद रह जाए। आप लोग 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो, माइंड बॉल का कॉन्सेप्ट, आपका रिविजन का एक प्रोसेस, इसको यूज कीजिए फटाफट। स्टडी का ग्राफ ई के पावर एक्स के हिसाब से लेके चलिए। एफर्ट और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। और जिन लोगों ने अभी तक माई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से जाके माई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप में से कोई अपनी वॉलंटरी पे करना चाहता है तो इस पेटीएम नंबर पे आप पेटीएम कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था और बचे हुए क्वेश्चन को आज यहां पे करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द अर्ली इयर्स ऑफ द रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ एक्विपमेंट्स हु लिव्ड विद द डांसर्स एंड ट्रेवल्ड विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हेन दे गेव परफॉर्मेंसेस। अब देखो यार, ये हम टेंस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो टेंस में जो रूल आपने अभी तक पढ़ा है उसी रूल को अप्लाई करना है। बस आपको साफ साफ इसमें देखना होगा कि कहां पे गलती की गई है। यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का फोकस लेके आना चाहता हूं, इन द अर्ली ईयर्स। इन द अर्ली ईयर्स का मतलब क्या हो गया, ये पास्ट टेंस की बात किया जा रहा है। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण काल, कि जब कोई चीज जैसे होता है ना कि हम ऐसे टाइम पे चल रहे हैं जब हमारे अंदर इस तरीके की चीज जागरूकता आ रही है, तो उस टाइम के पिछले समय में एक काल को 14 से लेकर 17वीं जो सदी चल रही थी उसको बेसिकली बोलते हैं पुनर्जागरण काल। तो रेनेसेंस उसी पीरियड को बोलते हैं। तो इन द अर्ली ईयर्स ये पास्ट पास्ट फॉर्म बता रहा है। और आप आगे थोड़ा सा आगे यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हैव का यूज है। एक्चुअली यहाँ पे हैव की जगह क्या यूज होना चाहिए था, हैड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो अगर पास्ट की बात करेंगे तो हैव हमारा प्रेजेंट शो करता है, हैड हमारा पास्ट शो करता है। तो अगर आपको कीवर्ड्स पहचानना आता हो तो आप आसानी से जो है इन सब चीजों को कर सकते हैं, और अगर रूल्स आपको प्रॉपर तरीके से मेमोराइज हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए और क्या कीजिए अपनी कॉपी में से नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। यहाँ पे बात ये हो रही कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा जो है सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हो चुका है और हमने इससे क्या किया है, हमने इससे काफी सारा प्रॉफिट निकाल लिया है। तो चीज परफेक्शन पे पहुंच गई है। क्या चीज परफेक्शन पे पहुंच गई है? तो अगर आपको कोई चीज परफेक्शन पे शो करनी हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट में, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो पास्ट में। तो यहां पे बात हो रही है प्रेजेंट की, क्योंकि इज लगाया गया, हैव लगाया गया, तो ये जो इज लगा हुआ है ये गलत है। दिस हैज टर्नड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे हो चुका है। तो अगर आपको परफेक्शन दिखाना होता है तो आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप देखोगे ही इज गिवन में थोड़ा सा अटपटा लग जाएगा, टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। He is given me नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, He has given me, क्योंकि उसने जो भी डॉक्यूमेंट है वो दे चुका है, मतलब डॉक्यूमेंट देने का जो प्रोसेस है वो परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इज की जगह आपको हैज लेना पड़ेगा। इस चीज को समझिएगा जब मैं आपको बोलता हूँ कि परफेक्शन पे हो गया है। तो कोई चीज अगर काम कंप्लीट हो गई है तो काम कंप्लीट होने के लिए हम सेंटेंस को क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अगर जारी है तो कॉन्टिन्यूअस में, अगर सिंपली कोई बात बोल रहे हैं तो हम उसको इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब चलिए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। Since the trip home was expensive, I did not went home. यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, did के साथ आप जो है verb की V1 form लेते हो, यहाँ पे went लगा हुआ है, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, go। बहुत इजी से क्वेश्चन था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, as she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office. As she is late for work yesterday, यहाँ पे देखिए yesterday क्या है, पिछला टाइम बता रहा है, और आपने क्या लगाया, is लगाया है। एज सी इज लेट की जगह क्या होगा, एज सी वॉज लेट फॉर वर्क स्टर्डे, सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो यहां पे क्या है, इज की जगह जो है इसका पास्ट फॉर्म होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, एज सून एज द सीईओ इंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। जैसे हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे हमको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम ध्यान से इसको पढ़ते नहीं है। अब ध्यान से इसको पढ़ते हैं, एज सून एज द सीईओ इंटर्ड, V2 फॉर्म, मतलब सेंटेंस पास से स्टार्ट हो रहा है। द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, V2 फॉर्म, पास फॉर्म है। फिर आगे देखिए, एंड रिपोर्ट द मैटर, रिपोर्ट दिया है, V1 फॉर्म, यहां पे आ गया प्रेजेंट में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस जो है पास से स्टार्ट हो, पास्ट में चले आगे, तो फिर पास्ट में ही रहना चाहिए। तो यहां पे रिपोर्टेड द मैटर होगा, क्या यहां पे भी आप V2 फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा रहता है जो अक्सर करके आता है और एग्जाम में हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस
2007। अब देखिए जैसे ही सिंस फॉर आए, आप एक बात ये देख लीजिए कि आपका या तो परफेक्ट होना चाहिए या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो यहां पे लगा हुआ इज जो कि सरासर गलत है। द कॉलेज हैज बीन रनिंग, क्या होगा, हैज बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। फिर नेक्स्ट है डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम स्टरडे, यहां पे बात हो रही है, देखिएगा ध्यान से, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम स्टरडे, ये स्टरडे है और यहां पे लगाया आपने हैज, गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैड नॉट कम स्टरडे। फिर नेक्स्ट है लास्ट नाइट आई ड्रीम, जैसे यहां पे आपने देखा लास्ट नाइट मतलब ये पास्ट हो गया, ड्रीम यहां पे वी1 फॉर्म है, बिल्कुल गलत है, तो आपको यहां पे क्या यूज करना होगा, यहां पे ड्रीम्ड यूज करना होगा, इसका सेकेंड फॉर्म DREAMT, ड्रीम्ड आई वॉज सिक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, ये सेंटेंस होगा। तो ये जो सेंटेंस है इस तरीके से आपको पहचानने आना चाहिए कि सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ है, पास्ट में मूव हो, पास्ट टाइम अगर डोनेटिंग वर्ड है तो आप देख लो कि आपने पास्ट में उसे रखा है या नहीं रखा है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983, देखिए फिर से यही है 1983 और यहाँ पे लगा हुआ है वर, तो यहाँ पे आप आपको क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेता है, तो बात ही आती, कई बार ऐसा होता है कि हम लगाते हैं यहाँ कि सी एंड हर सिस्टर हैव बीन वर्किंग या फिर हैड बीन वर्किंग, तो यहाँ पे होगा हैड बीन वर्किंग, क्या होगा, हैड बीन वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे वर दिया है, वर देख के ही हम लगाते हैं कि पास्ट वाला ही पास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे, तो हैड बीन वर्किंग होगा यहाँ पे, हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। इसके बाद नेक्स्ट है नोबडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकलिटी, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नोबडी सा हिम सिंस, मैंने एक रूल बताया था कि सिंस के बाद आपका अगर जो है V2 फॉर्म आए, मतलब सिंपल पास्ट आए, तो सिंस के आजू बाजू वाला जो दूसरा सेंटेंस रहता है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, तो नोबडी यहां पे होगा हैज, फिर होगा सीन हिम, नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। अब ये रूल बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कि सिंस के जस्ट इमीडिएट बाद, क्या सिंस के इमीडिएट बाद अगर आपका सिंपल पास्ट आए तो या तो इधर का एक सेंटेंस रहेगा या इसके पहले सेंटेंस रहेगा, ये सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस आपका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये रूल्स याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेड्स, यहां पे देख रहे हैं यहां पे आपका क्या है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल है और आर लिविंग लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है, आर की जगह आप क्या लगाओगे, द फैमिलीज हैव बीन लिविंग, क्या होगा, हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेड्स। फिर नेक्स्ट है माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, पास्ट टाइम डिनोटिंग और हैज लेफ्ट है तो सिर्फ लेफ्ट होगा, क्या होगा, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। एक क्वेश्चन छूट गया है, इसको देख लेते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, अब इस सेंटेंस को भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ में नहीं आता है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक अगले साल रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा, मतलब फ्यूचर में परफेक्शन पे पहुंच चुका होगा, मतलब डिग्री उसके पास होगी इस टाइम पे, तो विल हैव टेकन हिज डिग्री होगा यहां पे, इसको परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन, इस तरीके के सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बस आपको इतना ध्यान देखना होता है कि यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है और क्या है, देखो हैज पहले लगा हुआ है सब्जेक्ट से, तो ये गलत है, यहां पे पहले सी आएगा फिर हैज आएगा, बस क्वेश्चन मार्क एक बार आप देख लिया करो इस तरीके के सेंटेंसेज में, जब जो है आपका वर्ब पहले इस्तेमाल हो और सब्जेक्ट जो है बाद में। नेक्स्ट है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, देखो सिंस का जो इस्तेमाल होता है, फॉर का इस्तेमाल होता है, या तो परफेक्ट टेंस में होता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, तो यहां पर ये होगा आई हैव eaten nothing since morning. Next है he is having many friends here. देखो have जब पोजिशन दिखाने के लिए आता है तो इसका ing form नहीं लेते हैं, he have many friends here, ये correct sentence होगा, sorry और have नहीं होगा यहां पर, होगा has क्योंकि he आपका singular है, he has many friends here. Next है when I went there Charles is playing a game of chess. When I went, ये है V2 form और यहां पे आप आगे क्या लगा रहे हो, is लगा रहे हो, तो आप बात कर रहे हो past की, तो यहां पे is की जगह क्या होगा, was होगा, तो बस इतना आपको ध्यान देना रहता है कि अगर sentence past से start हो तो आगे भी past में move करेगी। फिर next है the vaccine when hit the market is dogged by controversy, देखो यार यहां पे hit का क्या है ना, V1, V2, V3 तीनों फॉर्म सेम होता है, द वैक्सीन वेन हिट द मार्केट, जब हिट किया था मार्केट में, ऐसी बात यहां पे की जा रही है, ये थोड़ा सा पास्ट सेंस है, ये समझ में नहीं आता, लेकिन यहां पे पास्ट सेंस है, इज डॉक्ड बाई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, वॉज डॉक्ड बाई कंट्रोवर्सी, देखो डॉक्ड का मतलब भी नहीं पता होगा,
डॉग का मतलब स्टबर्न के, जिद्दी, हठी के सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा ना कि जो कंट्रोवर्सी रही है वो कंट्रोवर्सी जबरदस्त के सेंस में आया है, कि जैसे ही जो है वैक्सीन मार्केट में हिट किया है बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी होने लगी, डॉग्ड बाई का इस्तेमाल इस सेंस में किया गया है। नेक्स्ट है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस वॉट वॉज हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, ध्यान से देखिएगा, ट्राइड वी टू फॉर्म, वॉट हैज हैपेंड, वॉट हैज हैपेंड नहीं वॉट हैड हैपेंड, क्योंकि पास से स्टार्ट हो रहा है तो आगे भी पास में ही बात करेंगे हम। फिर नेक्स्ट है, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन ए पेन स्टेकिंग फोर्जिंग ऑफ रेशनल एंड मोरल सेल्फ। देखो यार, ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। यहाँ पे पेन स्टेकिंग फोर्जिंग, फोर्ज क्या होता है, फोर्ज होता है जो भट्टियाँ होती है जिसमें आप कोई चीज़ डाल के उसको सही करके निकालते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है रेशनल और मोरल वैल्यूज की, पेन स्टेकिंग फोर्जिंग की। तो समझिए यहाँ पे ए पेन स्टेकिंग फोर्जिंग ये आपका सब्जेक्ट है और ये होता है क्या, सिंगुलर होता है और यहाँ पे लगाया गया हैव, तो यहाँ पे होना चाहिए हैज बीन, क्या हैज बीन होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा दूर है, दिखाई कम देता है क्योंकि देयर के हिसाब से चलते हैं, देयर हैव बीन, तो जब भी देयर इट इस तरीके का प्रोनाउन हो तो ढूंढिएगा कि ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये प्रोनाउन देयर जो है इस्तेमाल किया गया है ए पेन स्टेकिंग फोर्जिंग के लिए, तो इसी के हिसाब से आपका वर्ब आएगा जो कि हैव के बजाय क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि पेन स्टेकिंग फोर्जिंग आपका सिंगुलर है। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स, बात हो रही लास्ट ईयर की और यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो यस या ईएस फॉर्म जो कि आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एस्केप्ड होगा, वी टू फॉर्म लिया जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। हैव का इस्तेमाल जब पोजीशन के लिए करते हो तो सिर्फ हैव ही रहता है, हैविंग नहीं आता, मतलब आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, तो माधुरी दीक्षित हैज यहाँ पे क्या होगा, हैज ए लार्ज फैन फॉलोइंग। नेक्स्ट है, नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड्स। नो वन heard anything about him since he left, यहाँ पे केस कौन सा है, since के बाद वी टू फॉर्म, तो इसके पहले वाला क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, no one क्या होगा, has heard anything about him since he left India for goods। next है, before the teacher could finish the question the student gave the correct answer, भाई टीचर ने अपने क्वेश्चन फिनिश नहीं किया है, स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है, तो स्टूडेंट जवाब पहले दे रहा है तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, had given। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, कुड क्या है, कैन का पास फॉर्म है, तो इसको सिंपल पास की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, और यहां पे फिर आगे आपको क्या लेना पड़ेगा, पास परफेक्ट, हैड गिवन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, ये की वर्ड आपका येट, येट जनरली क्या होता है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हो, यहां पे यूज क्या किया आपने, डिड नॉट का, तो सी हैज नॉट क्या होगा, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, ध्यान रखिएगा कि एट का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है जनरली। फिर नेक्स्ट है, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग ए फॉर्म हाउस। देखो आई एम ओनिंग नहीं होता पोजीशन दिखाने के लिए, सिर्फ आप ओन लगाते हो, इसका आई एन जी फॉर्म नहीं बनाते हो, ठीक है, इस थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम। देखो यार, पहले क्या हुआ, पहले न्यूज प्रिसीड हो गई है आनंद के पहुंचने से पहले, तो क्या होगा, न्यूज अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम, यहाँ पे क्या होगा, हैड, ये पास परफेक्ट में रखोगे। नेक्स्ट है, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं यहाँ पे एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक तो होता है कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेज है तो कंडीशनल सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनके अलावा अगर आप बात करो दो एक्शंस की जो कि फ्यूचर में हो, तो एक एक्शन सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूसरा परफेक्ट में रख सकते हो। सी विल ऑलरेडी रिटर्न, वो ऑलरेडी रिटर्न हो चुकी होगी, मतलब परफेक्शन में होगी, तो सी विल हैव क्या होगा यहां पे, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। तो ये थोड़ा सा चीज याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में चीजें थोड़ी सी अलग रहती है, कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा रहता है, वहां पे भी यही चीज समझाया जाएगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो ये दो चीजें याद रख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस में एक तो ये केस आता है कि आप इस्तेमाल करते हो सिंपल प्रेजेंट, किसका, सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल फ्यूचर का, और सीधे सीधे अगर एक्शन आपका फ्यूचर में हो रहा हो तो इस्तेमाल कर सकते हो आप सिंपल प्रेजेंट और
आप सिंपल क्या प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तब करते हो जब आपको यह बताना होता है कि एक काम पहले ही परफेक्शन में पहुंच चुकी होगी। तो सी विल ऑलरेडी रिटर्न, वो ऑलरेडी रिटर्न हो चुकी होगी, तो सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, क्योंकि उसके रिटर्न होने का जो काम है वो परफेक्शन में हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है, ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर। हैज के साथ हैव लगाया, पहले तो एक देख के लगता है कि यही गलत है। हैज के साथ आप थर्ड फॉर्म लेते हो और हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां क्या होगा, हैड होगा। नेक्स्ट है, यहां पे हैज एक तो हेल्पिंग वर्ब हो और एक जो हैव लगाया गया था जो आपको हैड में चेंज करना है, ये आपका मेन वर्ब है और ये चीज मैंने आपको क्लास में बताई हुई है। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम टाइम्स इमेमोरियल लिखा हुआ है। देखो टाइम्स इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल होता है जिसका मतलब होता है अनंत काल, इसमें एस आई एस नहीं लगाया जाता, तो टाइम इमेमोरियल लिखना होगा, ये एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया। यहाँ पे देखो बात कैसी हो रही है समझिएगा, ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन, जब से वो आई है तब से वो मिल रही है, मतलब वो चीज कंटिन्यूअस में है, कब से, जब से वो इंडिया में आई है, तो यहाँ पे इज लगा हुआ है। एक्चुअली ये दिखाई इस वजह से नहीं देगा क्योंकि सिंस स्टार्ट में लगा दिया गया, तो ही हैज बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन, ये होगा क्या होगा, हैज बीन, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू सैड, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, और तीन और सेंटेंस है। तो ये मैं पांच सेंटेंसेज आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके जवाब देंगे। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले ये पांचों क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, देन जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये आपका टेंस का प्रैक्टिस सेशन हो गया है। फिर अगला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन जो मिक्स्ड प्रैक्टिस है वो भी अभी मुझे स्टार्ट करना है, जल्दी कुछ दिनों में मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।